नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की गहलोत सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उनके हक के लिए बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब आवंटित की जाने वाली दुकानों में 30% दुकानें महिलाओं को देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश की गहलोत सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से राज्य में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आउटलेट्स में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहयोग उपहार योजना में 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस योजना के तहत बेटी के विवाह पर जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में जरूरतमंद परिवार को बेटी की शादी में 21,000 से 31,000 रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। इसमें बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार, विशेष योग्य जनन व्यक्तियों, पालनहार योजना के लाभार्थी और महिला खिलाड़ियों सहित आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के पुत्रियों के विवाह पर हथलेवा राशि के रूप में 21,000 से लेकर 31,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आपको बता दें, इस योजना के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण पुत्री के विवाह पर 10,000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण पुत्री के विवाह पर 20,000 अतिरिक्त सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाएं सशक्त होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन सकेगी। राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर बाड़मेर के बायतू से आ रही है। बायतू में टांका निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 3 मजदूरों के शवों को बाहर निकाल लिया। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आगामी दिनों में आयोजित परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पटवारी भर्ती परीक्षा 10 जनवरी 2021 से 24 जनवरी तक 6 चरणों में आयोजित होगी। इसके साथ ही RSSB ने विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी है, जिसके बारे में आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी से 26 जनवरी 2020 तक भरवाए गए थे। पटवारी भर्ती के लिए लगभग 10 लाख आवेदन से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार लोगों में मास्क वितरण करेगी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के गांधीगिरी के जरिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो दूसरी तरफ जिलों में मंत्री और विधायक घर घर जाकर लोगों में न केवल मास्क बांटेंगे बल्कि कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक भी करेंगे। सरकार ने प्रदेश में 1 करोड़ मास्क वितरण करने का लक्ष्य रखा। साथ ही में COVID-19 से जुड़ी आपको बड़ी अपडेट दे दे। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 15 मौतें दर्ज की गई है। वहीं रिकॉर्ड 2173 नए पॉजिटिव केस सामने आए। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।